उपचुनाव के परिणाम को लेकर जहां सियासी समीकरणों पर चर्चाओं का दौर चल रहा है, वहीं उज्जैन के विख्यात ज्योतिष आनंद शंकर व्यास ने अपनी पंचांग और ज्योतिष गणनाओं के आधार पर मौजूदा सरकार के लिए संकटकालीन स्थितियों की भविष्यवाणी की है। उन्होंने मध्यप्रदेश की सियासत से एक बड़े नेता की छुट्टी होने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने सत्ता परिवर्तन की स्थिति की संभावना से इनकार किया है। ध्यान रहे, ज्योतिष आनंद शंकर व्यास सांदीपनि आश्रम से संबंध रखते हैं और उनका ज्योतिष विज्ञान में बड़ा नाम है। देखिए, वस्तु स्थिति तो यह है कि सही माने में ऐसे निर्णय जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ज्योतिष की दृष्टि से भी ज्योतिष शास्त्र का एक सम्मान बना रहे, उस सब दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो पहले इन सब लोगों की, प्रमुख लोगों की कुंडलियां आवश्यक होती है। कुंडली के बगैर सही निदान नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभी जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से जो विचार किया गया तो वो अभी दुविधाजनक आया है, यानी एकदम स्पष्ट नहीं है। फिर भी संभावना ये है कि वर्तमान शासन थोड़ा सा उस स्थिति में मजबूत दिखाई दे रहा है, तो शिवराज सिंह को लाभ मिल सकता है।